हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों जब मैं आपके लिए कोई दाम वाला बहुत बढ़िया का रिव्यू लेकर आई हूँ जो बहुत सालों से एमेजोन पे टॉप सेलिंग प्रोजेक्टर बना हुआ है इसमें ऐसी क्या खासियत है यही जानने के लिए मैंने इसे मंगवाया और सच मानिए मैं खुद इसके रिजल्ट देखकर दंग रह गई मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंडर टेन के में मिलने वाला कोई प्रोजेक्टर इतनी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी दे सकता है अभी तक मोस्टली सारे प्रोजेक्टर्स जो ट्वेल्व के अंडर बिक रहे हैं वो सिर्फ सेवन ट्वेंटी पी रेजोल्यूशन के साथ ही आ रहे हैं और ये वन जीरो एट जीरो पी रेजोलूशन में आने वाला वो प्रोजेक्ट है जो अपने पैसों से कहीं ज्यादा वैल्यू देता है इसकी पिक्चर क्वालिटी अमेजिंगली गुड है ये है प्रो मैक्स फुल प्रोजेक्टर जो दो वेरियंट में आता है एक बेसिक और दूसरा एंड्रॉइड आज इस वीडियो में मैं इस सीरीज के बेसिक वर्जन का रिव्यू करूंगी जिस प्राइस पे ये प्रोजेक्टर इस समय बिक रहा है उन दामों में इसका मिल पाना एक आश्चर्य की बात है इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि ये अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से किसी पंद्रह सोलह हजार के प्रोजेक्टर को भी टफ कंपटीशन दे सकता है इस प्रोजेक्टर की परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं तो ये है ई गेट आई नाइन प्रो मैक्स एच डी प्रोजेक्टर जो इस तरह के कंपनी ब्रांडेड प्रीमियम लुकिंग ब्लैक बॉक्स में आता है बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक रिमोट एक पावर केबल एक एच डी एम आई केबल एक एवी केबल एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड रखा मिलता है प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात की जाए तो इसके कंस्ट्रक्शन में हाई ग्रेड एबीएस प्लास्टिक का यूज किया गया है। प्रोजेक्टर को काफी कॉम्पैक्ट बनाया गया है जिससे आप इस प्रोजेक्टर को लेकर कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं ये प्रोजेक्टर डूल टोन सिल्वर और ब्लैक ब्रश्ड मेटालिक फिनिश में आता है लेंस के ठीक ऊपर ब्लैक पियानो फिनिश में फोकस व्हील के साथ कीस्टोन करेक्शन रिंग दी गई है फिजिकल बटन्स का प्लेसमेंट स्क्वायर अलाइनमेंट में प्रोजेक्टर के पीछे की ओर अपर सरफेस पे दिया गया है और आगे की साइड में ई e गेट की ब्रांडिंग दी गई है स्पीकर का प्लेसमेंट बैक साइड में दिया गया है वेंटिलेशन के लिए इस प्रोजेक्टर में साइड्स में ढेर सारे वेंट्स दिए गए हैं पोर्ट्स का प्लेसमेंट साइड और पीछे की ओर दिया गया है इस प्रोजेक्टर में आपको सीलिंग माउंट ऑप्शन के अलावा ट्राईपोड माउंट का ऑप्शन भी दिया गया है रिमोट सिंपल है जिसमें आपको पिक्चर और साउंड की सेटिंग्स के बटन भी प्रोवाइड किए गए हैं कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें आपको दो एस और एक यूएसबी पोर्ट के अलावा एक वीजीए पोर्ट एक एस कार्ड स्लॉट और एक एवी इन पोर्ट मिलती है कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो यह प्रोजेक्टर 4500 ल्यूमेंस या फिर 420 ANSI ल्यूमेंस ब्राइटनेस 2000:1 के स्टैटिक कंट्रास्ट रेशियो और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है इसमें 60 वाइट माइक्रो एलईडीज लगी आती हैं जिनकी लाइफ 30000 आवर्स है और ये प्रोजेक्टर केवल 55 वट्स पावर ही कंज्यूम करता है इस प्रोजेक्टर में हाई ग्रेड बीड एलईडी लगाई गई हैं और एल टी दी गई है कलर्स के लिए इसमें ई इंजन पोलर फिल्टर और सी एम के कलर मोड दिया गया है इसके अलावा प्रोजेक्टर में 100 परसेंट और पाल डिकोडिंग दी गई है इसके अलावा इसमें एक डेडिकेटेड माली ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट दिया गया है ऑडियो के लिए इसमें थ्री वॉट का स्पीकर है कंपनी के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्टर 210 इंच की स्क्रीन बना सकता है तो अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की आज के दौर में जब कंपनीज और सेलर्स में प्रोजेक्टर्स की स्पेसिफिकेशंस को बढ़ा चढ़ाकर बताने की होड़ लगी रहती है वहाँ इस कंपनी ने अपने इस प्रोजेक्टर की काफ़ी ऑनेस्ट स्पेसिफिकेशंस दी हैं ये प्रोजेक्टर सिर्फ अंडर टेन में ही नहीं बल्कि अंडर फिफ्टीन का ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर है 10k के अंदर बिकने वाला कोई भी प्रोजेक्टर इतना ब्राइट हो सकता है ये इसे देखने से पहले मेरे लिए सोच पाना भी मुश्किल था इस प्रोजेक्टर पे आपको इतनी ब्राइटनेस मिल जाती है कि आप इस पे नेटफ्लिक्स के डार्क सीन्स भी कंफर्टेबली देख सकते हैं कलर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर में RGB कलर मोड जिसमें रेड ग्रीन और ब्लू कलर्स के कॉम्बिनेशन से कलर्स बनते हैं उनका यूज ना करके सीएम वाई के कलर मोड का यूज किया गया है जिसमें चार कलर्स यानी मैजेंटा, येलो और ब्लैक का इस्तेमाल करके कलर्स बनाए जाते हैं सी एम वाई के कलर मोड में व्हाइट कलर गैमेट के साथ साथ कलर एक्यूरेसी भी अच्छी मिल जाती है तो इस प्रोजेक्टर का कलर रिप्रोडक्शन काफी वाइब्रेंट और अपीलिंग लगता है कलरफुल सीन्स इस प्रोजेक्टर पे बहुत ही बढ़िया दिखते हैं साथ ही साथ कलर्स एक्यूरेसी के बहुत करीब दिखते हैं इस प्रोजेक्टर में पिक्चर सेटिंग्स के बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं साथ ही साथ कस्टम मोड भी है जिस पे आप अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग सेटिंग्स कर सकते हैं ब्लैक्स की बात की जाए तो वो प्रोजेक्टर पे किसी टीवी जितने डीप तो नहीं दिख सकते हैं लेकिन प्रोजेक्टर्स की ही बात की जाए तो वो इस पे अच्छे खासे डार्क दिखते हैं पिक्चर में अच्छी डिटेल क्लियरिटी देखने को मिलती है और मूवीज देखते समय एक फुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है इस प्रोजेक्टर पे किनारों की ओर भी भी बहुत कम ब्लर दिखाई देता है फास्ट मूविंग एक्शन सीन्स में भी कोई खास ब्लर देखने को नहीं मिलता है इस अंडर टेन के के प्रोजेक्ट में मोशन ब्लर काफी कंट्रोल लगता है आप इस पे स्पोर्ट्स अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे बड़ी स्क्रीन पे मैचेस देखने का अपना अलग मजा होता है ऐसा लगता है जैसे आप खुद स्टेडियम में बैठ ही वो मैच देख रहे हो अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर की की। ऑडियो तो वो वेल ट्यून तो लगती है लेकिन काफी लो है जिससे इसके साथ आपको एक साउंड बार की जरूरत पड़ेगी ही ऐसे भी सिनेमा हॉल वाले एक्सपीरियंस के लिए आपको किसी भी प्रोजेक्टर के साथ होम थिएटर की जरूरत पड़ती ही है एक बहुत कम पैसों में मिलने वाले बहुत बढ़िया साउंड बार की लिंक, मैंने में दी है आप उसे वहां से खरीद सकते हैं सच मानिए उस साउंड बार को इस प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके आप घर में ही इस प्रोजेक्टर पे एक सिनेमा हॉल का मजा ले सकते हैं और ये बिल्कुल भी एग्जेजरेशन नहीं है मेरी बेटी तुम्हारी स्टॉल में क्यों है क्यों कोई शक है को चीटियां अपने आप चल जाएंगे एक बैंक अकाउंट यहाँ एक सिम कार्ड और ये राह पठान प्रोजेक्टर को आप डीवीडी प्लेयर सेट टॉप बॉक्स, बॉक्सेस, कंप्यूटर, लैपटॉप और होम थिएटर्स सभी से कनेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्टर को सेटअप करने की बात की जाए तो क्योंकि इसमें 4D डी की स्टोन कनेक्शन नहीं दिया गया है परफेक्ट स्क्रीन बनाने के लिए आपको इस प्रोजेक्टर को स्क्रीन के सेंटर में ही रखकर प्रोजेक्शन करना होगा आप इस प्रोजेक्टर को स्क्रीन के मिड में न रखकर थोड़ा सा इधर-उधर तो कर सकते हैं लेकिन बहुत एक्सट्रीम एंगल से प्रोजेक्शन करेंगे तो प्रॉपर रेक्टेंगुलर स्क्रीन नहीं बनेगी इसमें दिए गए मैनुअल कीस्टोन करेक्शन और फोकस व्हील की मदद से आप काफी हद तक एक ब्लर फ्री रेक्टेंगुलर स्क्रीन फॉर्म कर सकते हैं 10 फीट की दूरी से आप इस प्रोजेक्टर की मदद से 100 इंच की स्क्रीन बना सकते हैं

एक दिन में लगातार आठ से लेकर नौ घंटों तक चलाया है लॉन्ग तक यूज करने पे भी इस प्रोजेक्टर में कोई अनयूजुअल हीटिंग इशू नहीं दिखा इस प्रोजेक्टर के फैन की नॉइज की बात की जाए तो वो बहुत है उससे कोई इरिटेशन या डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है ये प्रोजेक्टर यूएसबी के थ्रू हार्ड ड्राइव भी सपोर्ट करता है आप यूएसबी पोर्ट के थ्रू मूवीज इस पे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं इस प्रोजेक्टर के सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो इस प्रोजेक्टर का बहुत बढ़िया है एस डी के साथ साथ एस डी भी भी पे अच्छे दिखते हैं रही बात गेमिंग की तो ये शायद सबसे सस्ता प्रोजेक्टर है जिसपे आपको बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिल जाता है आप इसे अपने प्ले स्टेशन से कनेक्ट करके अच्छे से कैजुअल गेमिंग एंजॉय कर सकते हैं गेमिंग करते समय कोई स्टटरिंग या फिर लैग नजर नहीं आता है इसपे आपको बढ़िया ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं ये एक बेहतरीन प्रोजेक्टर है जो आपको कम पैसों में वो पिक्चर क्वालिटी देता है जो शायद पंद्रह सोलह हजार का प्रोजेक्टर भी ना दे सके कुछ लोगों को इसका Android ना होना एक कौन लग रहा होगा। लेकिन मेरे से वो इसका प्रो है क्योंकि किसी भी प्रोजेक्टर में बावजूद यूट्यूब को छोड़कर आपको किसी भी दूसरे एप्लीकेशन में हाई रेजोल्यूशन कंटेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं और एंड में अच्छी क्वालिटी में कंटेंट देखने के लिए आपको अलग से एक एंड्रॉइड बॉक्स खरीदना ही पड़ता है जिससे प्रोजेक्टर का दाम बहुत बढ़ जाता है इस प्रोजेक्टर के साथ अगर आप एक टीवी स्टिक या फिर एंड्रॉइड टीवी बॉक्स खरीद लेंगे तो कम पैसों में ही आप अपने इस प्रोजेक्टर को एक लेटेस्ट एंड्रॉइड प्रोजेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसपे आप सभी कॉन्टेंट्स हाई रेजोल्यूशन में देख पाएंगे एंड्रॉइड प्रोजेक्टर का मेन चाम ये होता है कि उस पर फोर डी की स्टोन होता है जिससे आप साइड से भी स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप साइड से स्क्रीन प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको इसके एंड्रॉइड वर्जन के लिए ही जाना चाहिए इस प्रोजेक्टर पे आपको ई e गेट की वन ईयर वारंटी मिलती है और कंपनी आपको डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए बजट में मिलने वाले बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स लेके आते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ